हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग में। मैं हूँ राहुल सिंह और आज हम एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ऑनलाइन फॉर्म आए हैं जिसमें वैकेंसी निकली है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की और मैनेजर सेकेंड की। तो ये रिक्रूटमेंट कहाँ निकली है? ESI दिल्ली में। तो इसकी हम फुल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और इसमें अप्लाई कब से कर सकते हैं आप इसको और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। फुल नोटिफिकेशन जानते हैं और किस किस फील्ड में कितनी कितनी वैकेंसी निकली है और फीस क्या रहने वाली है इसकी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अप्लाई जो कर सकते हैं इसको 7/09/2018 से कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है इसकी 5/10/2018 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम फीस देख लेते हैं। फीस का जो स्ट्रक्चर है 500 जनरल OBC के लिए, 250 SC ST वालों के लिए और ऑल फीमेल जो कैटेगरी होगी हमारी उनके लिए 250 फीस। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये 539 वैकेंसी निकली है टोटल पोस्ट और इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, 21 से 27 साल के बीच में मांगी गई है। तो यहाँ पर ये पोस्ट कैटेगरी वाइज दी है अलग अलग। तो टोटल ये 539 पोस्ट है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री मांगी है आपकी, किसी भी स्ट्रीम से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर बेस की। तो उसमें नोटिफिकेशन में देख लेते हैं और क्या क्या जानकारी दी है हमारे लायक जो हमें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, हम इसका नोटिफिकेशन खोलते हैं। अभी इसका लिंक दोस्तों एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी हम बताएंगे कहाँ से आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ये खोला दोस्तों हमने नोटिफिकेशन, इसका रिक्रूटमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड सेकंड सुपरिटेंडेंट एंड EIC कॉरपोरेशन की वैकेंसी है। इसमें हम देखते हैं, ये तो दोस्तों हो गई हमारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ PWD कैटेगरी की भी निकली हुई है वैकेंसी जिसमें 6/5/07/1 ओवरऑल 49 एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसमें ये जो ग्रुप है ए से लेके ई तक के, इसमें कौन कौन PW डिपार्टमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की जिसको प्रॉब्लम है, डीफ एंड हार्डिंग हार्ड ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जिसको प्रॉब्लम है, तो वो इससे फिल कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें पे स्केल की भी बात कर लेते हैं, आपका इसमें पे स्केल क्या रहने वाला। तो पे स्केल भी आपका काफ़ी अच्छा बैठ जाएगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका ओवरऑल मिला के, तो ये आपका दोस्तों ओवरऑल मिला के आपका 40 या 50,000 के आसपास में बैठ जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें जैसे हमने बताया, इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर बेस की और आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड से और आप सिटीजन्स होने चाहिए इंडिया के। तो इसमें आगे आने वाले नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे अपनी इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का, कितने पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें एज लिमिट जैसे हमने बताया 21 से 27 साल, और जो एज रिलैक्सेशन है आपका एज पर द गवर्नमेंट रूल जो भी है, और इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप पहले। तो ये तो आपको अप्लाई करने की डिटेल दे दी आपके नोटिफिकेशन में कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले आप अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड करेंगे, एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद है ना आप पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड होंगे और किस वेबसाइट पर जाकर आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये ESI.NIC.IN पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इस नोटिफिकेशन पर आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन का आएगा, तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और दोस्तों इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें जैसे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपके ब्लैक इंक से होने चाहिए वाइट पेपर पे, और आपका लेफ्ट लेफ्ट थंब का वो फिंगरप्रिंट होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इसका सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे क्या पैटर्न रहने वाला है इसका दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना कहते हुए हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।